रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के लैपटॉप चोरी करने वाले एक अभियुक्त सादाब को रेलवे स्टेशन गाजियाबाद से जीआरपी पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उसके पास से चोरी के 3 लैपटॉप बरामद किए गए हैं। सीओ जीआरपी सुदेश कुमार गुप्ता ने बताया कि सादाब एक शातिर किस्म का अपराधी है जो दिल्ली एनसीआर के रेलवे स्टेशन पर अपने साथियों के साथ मिलकर यात्रियों के लैपटॉप चोरी करने का काम किया करता है। सादाब को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके पास से 30,000 रुपए नकद भी बरामद किए गए हैं एवं इसके अन्य साथियों की तलाश की जा रही है। सर, पिछले 2-3 माह में हमारे यहाँ से 3-4 लैपटॉप चोरी हो गए थे। इस संबंध में एडीजी श्री जयनारायण सिंह के आदेशानुसार व श्री आशुतोष शुक्ला SP रेलवे मुरादाबाद के निर्देशन में एक टीम गठित की गई थी। इस टीम के द्वारा भरसक प्रयास किया गया जिसके प्रभारी श्री अनुज मलिक SHO GRP गाजियाबाद थे। इनके द्वारा इस अभियुक्त द्वारा एक बैग चुराया गया जिसमें पासबुक थी उस आदमी की और सिम कार्ड था। उस सिम कार्ड को इसने अपने मोबाइल में एक्टिवेट करके उस अकाउंट से अपने अकाउंट में 1,05,000 रुपये ट्रांसफ़र कर लिए थे। इसी लीड पे चलते हुए हमें ज्ञात हुआ कि शादाब नाम का व्यक्ति है जिसके द्वारा ये घटना की गई है। आज सुबह 11 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 5-6 के पास से मुखबिर की सूचना पर शादाब को SHO GRP की टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया जिसके पास से 3 लैपटॉप बरामद हुए हैं जो हमारे यहाँ की ही घटना से संबंधित हैं और 30,000 रुपये नकद बरामद हुए हैं जो इसके द्वारा ट्रांसफ़र कर लिए गए।